देश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जोधपुर में भी लगातार आश्चर्यजनक आंकड़ा सामने आ रहा है। लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित मौजूद हैं। जी सत्येंद्र, किस प्रकार के हालात हैं जोधपुर में, किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है प्रशासन के द्वारा? लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है जोधपुर में। आशीष, मैं आपको बताना चाहूंगा जोधपुर की यदि बात है तो जयपुर के बाद जोधपुर ही वह जिला है जिसकी वजह से दिनों दिन खराब होती जा रही है। यदि देखें तो कल ही जोधपुर के अंदर सबसे बड़ा कोरोना का जो यदि देखें तो विस्फोट देखने को मिला था। कल एक दिन के अंदर कोरोना के 31 मरीज सामने आए थे। वहीं यदि बात करें अभी तक जोधपुर के अंदर 81 मरीज जो विभाग के द्वारा रिपोर्ट जारी की है उसके अंदर सामने आए थे। वहीं जो SN मेडिकल कॉलेज की तरफ से रिपोर्ट जारी की जाती है उसके अंदर 89 मरीज सामने आए, तो ये भी कहीं ना कहीं संशय भी बना हुआ है लोगों के अंदर। वहीं यदि बात करें तो जोधपुर के विशेषकर जो क्षेत्र है, चाहे नागौरी गेट हो चाहे उदय मंदिर हो, वहां पर लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन भी उन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाकर विशेष इंतजाम कर लोगों को निगरानी रख रहा है। जी, जो कोरोना पॉजिटिव मिले थे लगभग 30 की संख्या में, वो लोग थे कौन से इलाके से थे जोधपुर में? क्या क्वारंटाइन सेंटर में थे वो लोग या फिर अलग अलग घरों में ये पॉजिटिव मिले? जी बिल्कुल, यदि बात करें अलग अलग घरों से लोग मिले हैं, चाहे उदय मंदिर क्षेत्र हो या नागौर गेट क्षेत्र हो, ये जो जोधपुर के प्रमुख दो क्षेत्र है जहां पर काफी कोरोना के केस आए थे, वहीं से इन लोगों को जो है कोरोना के पॉजिटिव थे ये प्राप्त हुए और इनको इलाज के लिए आगे भेजा गया है। जी, प्रशासन किस प्रकार की तैयारियों में जुटा है? लगातार जो संख्या है वो वाकई में चिंताजनक है। क्या वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है या फिर महाकर्फ्यू की तैयारी में प्रशासन है? जोधपुर के यदि हालात की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जो भीतरी शहर है वह पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है। वहीं यदि जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की बात करें तो वो अलग अलग टीमें बनाकर घरों घरों में सर्वे कर रही है। अगर यदि सर्वे की बात करें तो प्रमुख तौर से 3 आधार पर सर्वे किया जा रहा है। जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनको अलग से लिस्टेड किया जा रहा है। वहीं जो लोग हृदयघात या मधुमेह जैसी बीमारी से पीड़ित है उनको अलग से लिस्टेड किया जा रहा है। यदि बात करें गलियों में जो सर्वे किया जा रहा है गली के जाकर विभाग की तरफ से, उसके अंदर जो भी व्यक्ति चाहे उनको हल्की सी खांसी है जुकाम है उनको भी अलग से लिस्टेड किया जा रहा है और जो भी कुछ संदिग्ध दिखता है तुरंत जांच के लिए भेजा जा रहा है। जी, जो लोग घरों में बंद है उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, उसकी क्या व्यवस्था प्रशासन कर रहा है कि जो जरूरत की चीजें हैं उन तक पहुंच सके, लोगों को घरों से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़े? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन इस बात को लेकर पूर्णतः अलर्ट है। प्रशासन ने अलग से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं जिससे लोगों को जो आवश्यक सामग्री है, जो आवश्यक वस्तु है वो आसानी से प्राप्त हो सके, और जो चाहे दूध है चाहे जो डेली यूजफुल सामग्री है वो लोग घर तक पहुंच रही है और लोग घरों के अंदर आराम से सुरक्षित नजर आ रहे हैं। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जोधपुर से लाइव हमारे साथ जुड़े थे हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नागौर के कुचामन सिटी शहर की ग्राम पंचायत बुड़सू में सरपंच महावीर कुकरना